नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ नेहा आनंद। हरिद्वार शहर कोतवाली क्षेत्र के हर की पैड़ी सुभाष घाट पर मामूली सी कहासुनी में दुकानदारों के दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। हिंसक झड़प में दोनों ही पक्षों में कई लोग घायल हो गए। वहीं लाठी डंडे चलने के बाद घाट पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं झगड़े की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में सीओ सिटी अभय सिंह ने बताया कि हर की पैड़ी सुभाष घाट पर मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, हर की पैड़ी में सुभाष घाट के पास दो दुकानदारों के बीच का मामला है। इनमें सुबह दुकान खोलते समय सामान रखने को लेकर किसी बात पे कहासुनी हुई थी और उसी में इन दोनों के बीच में मारपीट हुई। जो घटना प्रकाश में आने के बाद हमारे द्वारा इन घटना में सम्मिलित जिन व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की गई है, शांति भंग की गई है, उनको पकड़ा गया, उनकी अरेस्टिंग की गई है और शांति भंग तथा मारपीट की उचित धाराओं में इनके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। एक व्यस्तम मार्केट में हर की पैड़ी के आसपास जिस तरह से लठबाजी हो रही है, लठ चलाए जा रहे हैं, यात्रियों के लिए कितना खतरनाक है? निश्चित रूप से शांति भंग हुआ है और इसे कहीं ना कहीं इनकी आपस की मारपीट में किसी यात्री को भी चोट लग सकती थी, इसीलिए इनकी अरेस्टिंग भी की गई है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। झगड़े में कोई घायल भी हुआ है? दोनों पक्षों में हल्की फुल्की चोट आई है, मेडिकल के लिए भेजा गया है। दोनों पक्षों का मेडिकल कराने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई, उचित वैधानिक कार्रवाई उसको हम करेंगे।